हर जगह इन दो नामों की चर्चा हो रही है, खालिस्तान और अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह वो शख्स है जो जलते हुए खालिस्तान में घी डालने का काम कर रहा है और हाल ही में इसने भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी थी। और अमृतपाल सिंह के नफरत के काम बढ़ते जा रहे और वो ना रुकने का नाम ले रहा है। और अमृतपाल इतना खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान के दुबई में बड़े बड़े के साथ है। पाकिस्तान वैसे तो भूखा मर रहा है पर भारत में नफरत फैलाने के लिए वो आर्थिक मदद कर रहा है। आतंकवादी संगठन ऐसा ही अमृतपाल सिंह की मदद कर रहा है और ये बात खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कही है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से, फंडिंग होती है पाकिस्तान से फंडिंग। अमृतपाल सिंह पंजाब के लोगों को भटका रहा है और उन्हें खालिस्तान बना रहा है। अमृतपाल सिंह साफ साफ मना कर रहा है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है और वो भारत का खुद का देश नहीं मानता है और उसे एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान। ये वही अमृतपाल सिंह है जो पंजाब के पुलिस थाने में हथियार लेके हमला कर देता है और अपने साथी को छुड़वा देता है। पर अब अमृतपाल सिंह के नफरती आंदोलन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले है कि या तो फिर ये इनकाउंटर में मारा जाएगा या फिर ये जेल जाएगा, क्योंकि भारत के अब सीबीआई इसकी कुंडली निकाल रही है। भारत में रहकर भारत का खाकर देश के टुकड़े करने वाला अमृतपाल सिंह की केंद्र सरकार की रडार पर है। सीबीआई जैसी केस किसी का भी हाथ में लेती है तो उसका बचना मुश्किल है। अमृतपाल सिंह पर अब शिकंजा कसना चालू हो गया है। अमृतपाल सिंह को पंजाब के कुछ गैंग स्टार भी मानना चाहते है, क्योंकि गैंग स्टार चाहते है कि अमृतपाल सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में बहुत बड़े बड़े दंगे हो। और अमृतपाल सिंह अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखता था पर जिला प्रशासन उनका बंदूक का लाइसेंस कैंसिल करने जा रही है। धीरे धीरे ये एजेंसी अमृतपाल सिंह का नाम इतिहास से मिटा देंगी। लेकिन अब केंद्र सरकार अमृतपाल सिंह को छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगता है, खालिस्तान बनेगा या अमृतपाल सिंह का एंड हो जाएगा?